तो दोस्तों आज हम लोग लगाने जा रहे WPC। ये देखो WPC आया है, पहले से आया था सब, और भी काम हो चुका है। ये दीवार लगाने का है, पीछे जो दिख रहा है रेड वाला, और ये TV के पीछे ऊपर साइड में ये लगाने का है, और एक ये वाला दीवार लगाने का। अभी ये तोड़ना चालू किया है इधर, अब मैं ये खोलने जा रहा हूँ। जो पर्दे का हुक था इसको खोल लेता हूँ पहले। अब देखो ये हुक खोल दिया हूँ, ये दूसरा खोलने जा रहा हूँ, ये तीसरा भी खोलना है, खोल लेता हूँ फटाफट। दोस्तों पहले स्क्रू खोल रहे हैं भाई, खोलो फटाफट। ये स्कटिंग तोड़ लिए हैं यहाँ से, ये स्कटिंग था और छोटा सा ये साइड में था, टूट गया है। दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब था इसीलिए PVC लगा रहे हैं। ये देख सकते हो दीवार का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। ये देखो एरोटेक्स का है, अच्छा कंपनी है, और डेल्बी का PVC लगा रहे हम लोग। जो PVC पैनल आता है वो डेल्बी का लगाता हूँ, इसमें भी डेल्बी का आता है लेकिन नहीं था, तो ये एरोटेक्स का लिए। देखो कुछ ऐसा दिखता है, कलर दिखता है, ऐसा बॉक्स आता है, बॉक्स में 10 पीस रहता है टोटल। बता दो ये 89.5 इंच है। एक ऐसा रहता है कि परफेक्ट मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है, परफेक्ट। और ये साइड भी 89.5 इंच है, बीच का आता है 16 इंची। ये साइड भी दे देते हैं नज़र, ये साइड ही 16.25 है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कोई कोई गलती क्या करता है कि WPC 100 ब्लेड से काटता है, कटिंग करता है, ठीक है। तो ये गलती मत करो, ये WPC 100 ब्लेड से नहीं काटा जाता है, ये कटर मशीन है इसमें, ठीक है। डायमंड का ब्लेड लगाओ और उसके बाद में कटिंग करो, फिनिशिंग अच्छा आता है। और इसमें L और इसका U नहीं आता है, ठीक है, L U नहीं आता है, इसके लिए इसको कटर मशीन से काटना ज़रूरी रहता है। देखो इसको काट कोना करके, पहले एक छड़ा काट कोना कर लेने का, काट कोना करने के बाद में फिर मेजरमेंट से दूसरा छड़ा काटने का। कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिनिशिंग में आएगा पट्टा, ठीक है। ऐसे ही मैं सब पट्टा काट लेता हूँ, फिर लगाने का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसे परफेक्ट काट कोना पकड़ेगा फिर। ये देखो ये अभी काटा, देखो एक साइड पतला एक साइड चौड़ा, कंपनी से आता है जो काट कोना में करके नहीं आता, मतलब ये देख सकते हो कटिंग, आठ पीसे काटा हूँ, और मतलब 8 पीसे भी निकल गया।
बाल बैंड है, इसके लिए क्रॉस कटिंग करना पड़ता है। राहुल पलक लगा रहे भाई, वो गलती हो गया, जब भी दिखाता हूँ वीडियो आपको। फर्स्ट टाइम का, अभी होल लग गया है, होल मार दिया हूँ। ये देखो ये क्लिप है, क्लिप को ऐसे फंसा के इधर, ठीक है, फंसा के क्या करने का, फास्ट काम करना रहेगा तो फटाफट फटाफट फंसा लो, उसके बाद में फटाफट फटाफट मैं फंसा दे रहा हूँ, और उसके बाद में फटाफट ये फंस गया, स्क्रू लगा देंगे। इजी रहता है भाई, लेकिन थोड़ा हिसाब से करना पड़ेगा, लॉक हो जाता है पूरा एकदम परफेक्ट। देखो परफेक्ट लॉक हो गया। ये क्लिपर आता है, इसमें होल करके मार्किंग कर लो, पहले मार्किंग करके होल करके फिर राउंड पलक लगा दो, उसके बाद में स्क्रू टाइट कर दो। ये इजी लग जाता है, इजी स्टॉल है, लेकिन कटिंग का मेन फिनिशिंग का काम है। अभी देखो ये इधर प्रॉपर काट के क्रॉस कटिंग करके बैठा दिया हूँ अच्छे से। अब ऐसे में ये पूरा फिटिंग कर लेता हूँ, फिर ये दीवार का लुक आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है लगाने के बाद। लगाने के लिए भी इजी रहता है, ऐसा हल्का सा ठोक दो बैठ जाता है इसमें। कभी भी देख लेने का, नहीं तो क्या होता है कि फिर ये आउट हो जाएगा ना, फिर जैसे वो विंडो का धार है, ठीक है, तो धार फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर लेबर नहीं होगा, बाद में कटिंग हो नहीं पाता है। इसके लिए क्लिप लेके मार्किंग कर लेने का सबका, उसके बाद में होल मार देने का। अभी देख सकते हैं तीन पट्टा लगाया हूँ, तीन पट्टा लगाने के बाद में अब इसका ये जो धार है मार्बल का, अब ये वर्टिकल कटिंग कर लेता हूँ, वर्टिकल लगा के इधर और ये इधर, ये साइड में और ये साइड में, ये पूरा लगा के वर्टिकल, फिर इसके ऊपर का पट्टा लगा के, क्योंकि ये जब लगाएंगे ना वर्टिकल, इसका एयर नहीं आता है, इसके लिए ये जब ये लगाएंगे
उसके बाद में ऊपर से लेके ऐसा ऐसा पट्टा आ जाएगा, तो ये धार बन जाएगा। ये देखो मेजर कर लो पहले कितने का लगेगा, 2.5 इंची है। ये देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.5 इंची ऊपर 2.5, इधर 3.5। इसका हाइट है 6 फीट 72 इंची। ये 2 इंची पास से उतारा है, 3.5 फीट। अभी ये वो आर्टिकल कटिंग करने जा रहे हैं साइड का। ये देख सकते हो कातरा बना है इसमें, ये वाले वाटकल में, और ये वाले वाटकल में कातरा लगाए, फिर इसमें कातरा किया दोनों तरफ। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर। ये देखो दोस्तों वाइट कलर लग गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट हो गया, एकदम फाइनल हो गया है। ये टुकड़ा बाकी है दूसरे वाल का, जो WPC जो लगा रहा था वो कंप्लीट हो गया पूरा।